तो हम बात कर रहे हैं इफ फॉर्मूला, और इफ फॉर्मूले में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में कि हमारा नेस्टेड इफ कैसे परफॉर्म करता है। जैसे मेरे पास सेल्स है, सेल्स में 85 इस तरह का मेरे पास नंबर्स है, देख पा रहे हैं। अब जैसे कि कल मैंने बताया था कि अगर 50-80 के बीच में हुआ तो उसको ढूंढने के लिए हमने यहाँ पे एंड फॉर्मूला इस्तेमाल किया कि एंड अगर ग्रेटर देन 50 है और फिर वापस इसको सिलेक्ट करके बोला लेस देन इक्वल टू 80 है तो रिजल्ट आपके सामने ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगा, ओके। लेकिन हमें इस पे अगर मान लीजिए कि सिंगल रिजल्ट देना है तो, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट जैसे कि लेस देन 50 हुआ तो मुझे 100 देना है, ग्रेटर देन 80 हुआ तो यहाँ पे 200 देना है, तो तीन रिजल्ट है। तो यहाँ एंड नहीं लगा सकता, एंड दो ही रिजल्ट दे सकता है, तीन नहीं। तो यहाँ हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ हमने सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ए ग्रेटर देन 50 है, यहां से देखिएगा हमने बोला कि ग्रेटर देन या इक्वल टू लगा लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फिर हमने कॉमा दिया, कॉमा किया, अगेन इफ लगाया, हमने यहाँ पे अगेन इफ लगाया और इसको सिलेक्ट किया और बोला ए लेस देन 80 है, तो अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तभी दूसरी कंडीशन पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहीं पे मैंने कर दिया रिजल्ट 500। अब दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में जाएगा, मतलब कि पहले इफ के ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे 200, और हमने दूसरा इफ क्लोज कर दिया और पहले इफ के फॉल्स पार्ट में 100। तो ये क्या होगा कि ये चेक करेगा अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, अब नहीं हुआ तो ये 100 को शो कर देगा, फिर दूसरा इफ चेक करेगा अगर रिजल्ट हुआ, अगर लेस देन 80 हुआ तो 500 को शो करेगा, अदरवाइज 200 को शो करेगा, समझे? Yes, वर्का जी समझ में आया? Yes, sir. सेम इसी तरह से अगर हम और कभी कंडीशन ले तो कुछ इसी तरह से बनता है कि मुझे अगर मान लीजिए सैटरडे है तो हाफ डे शो करना है और संडे है तो मुझे यहाँ पे ऑफ शो करना है और बाकी मंडे टू फ्राइडे में क्या शो करना है, वर्क या ओपन जो भी कर दे। तो यहां पे हम सेम और एंड तो लगा नहीं सकते क्योंकि अगर दो होता ओपन एंड ऑफ होता तो मैं कर लेता, लेकिन यहां पे लिखेंगे इफ इसको सेलेक्ट किया और बोला अगर ए इक्वल टू सैटरडे तो यही पे रिजल्ट दे दे एच डी, अदरवाइज अगेन इफ जाए, अगर ए इक्वल टू है एस यू एन संडे तो यहां पे शो कर दे ऑफ, अदरवाइज ओपन, ठीक है? एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया एच डी ऑफ ओपन। कोई दिक्कत इसमें? नो सर, नहीं है ना? क्लियर है? यस सर।
अब इस पे थोड़ा सा विस्तार करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक सिंपल सा डेटा बनाते हैं। इसमें पूजा हो गया। अच्छा, कल की क्लास में हमने आपको एक रिसर्च भी दिया था ना? यस सर। आप लोगों ने कर पाया? मैंने देखा था सर, मैक्स के फॉर्मूले से हम कर सकते हैं कि अगर हमारे डेटा के अंदर गैप आता है और बट हमको सीक्वेंस कंटिन्यू रखना है, तो इफ के साथ हम लोग मैक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या चर्चिल जी, सही है बात? हो सकता है ऐसा? उस समय ट्राई नहीं किया फॉर्मूले। ये बात बोल के सर आपने मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं सर, वो एक्चुअली कुछ काम के चक्कर में नहीं टाइम मिल पाया था, आज चेक करूंगा। सही आपने बोला बड़का जी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब रिजल्ट मेरे पास सब्जेक्ट वन से सब्जेक्ट फाइव है, राइट? मैं चाहता हूं कि अगर सारे सब्जेक्ट ग्रेटर देन 30 है तो पास आना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए? फेल आना चाहिए। अब दो ही रिजल्ट है तो सिंपल सा यहां हम एंड का फॉर्म में लगा लेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन 30 है, इसको सेलेक्ट करके ग्रेटर देन, यहां पे हमने कर दिया अगेन 30, ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। रिजल्ट आ गया ट्रू एंड फॉल्स। रिजल्ट क्या आया? ट्रू एंड फॉल्स। समझे? क्लियर है? लेकिन इसी में मुझे दिखाना है कि कौन कौन सब्जेक्ट में फेल किया है, तो ये एंड से नहीं होगा। इसके लिए हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ। इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो अगेन इफ लगाएं, इसको सिलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर अगेन इफ लगाया और इसको सिलेक्ट किया और बोला अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर इफ लगाया, इसको सिलेक्ट किया, बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, और फिर इफ इसको सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर सारा होता है तो यहां पे पास आना चाहिए, अदरवाइज सब्जेक्ट 4, क्योंकि लास्ट है सब्जेक्ट 4 है, सब्जेक्ट 5 है ना हमारा, सब्जेक्ट 5 फेल आएगा। फिर हमने एक इफ को क्लोज कर दिया, मतलब फिर उससे पहले वाले इफ के फॉल्स पार्ट में हमने दिया सब्जेक्ट 4 फेल, फिर इसको क्लोज किया, फिर कॉमा यहां पे दिया सब्जेक्ट 3 फेल, फिर कॉमा सब्जेक्ट 2 फेल, फिर कॉमा सब्जेक्ट 1 फेल एंड डबल स्लैश। रिजल्ट आ गए सर? क्लियर है सर? अगर हम ये सब्जेक्ट साथ में नहीं लिखना चाहते, सिर्फ पास और फेल लिखना चाहते हैं, तो ये इसको तो एंड लगा देंगे। अच्छा, हमने इसे पहले लगाया था ना एंड, तो एंड में ट्रू फॉल्स आया था, ट्रू फॉल्स को पास और फेल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या? राइट, समझ गए? फिर उसके लिए नेस्टेड इफ रिक्वायर्ड नहीं है ना? नहीं, वो मतलब नॉर्मली भी कर सकते हैं हम। जी जी जी, समझ गए? राइट।
अब इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास नेम है, हमने यहां पे नेम लिस्ट बना दी और यहां पे हम दे देते हैं ये पैन, मतलब कि पैन नंबर हो गया, डीएल हो गया, डीएल पासपोर्ट हो गया, यूआईडी हो गया, आधार एंड वोटर आईडी। अब क्या है कि यहां पे स्टेटस को शो करना है, हमको एक समय दीजिए, हेलो सॉरी, तो स्टेटस में मुझे यहाँ पे हाई लिखना, स्टेटस में यहाँ पे मुझे ओके और पेंडिंग देना है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि किसी ने एक भी आईडी प्रूफ सबमिट कर दिया तो यहाँ पे आपको ओके आना चाहिए, अदरवाइज पेंडिंग। ठीक है, तो यहां पे हम देते हैं फॉर्मूला और का देंगे, अगर सिंपल है तो और। फॉल्स आ गया। अगर किसी एक में भी वाई हुआ तो क्या आएगा, ट्रू आएगा ना सर, समझे सर। लेकिन मुझे यहां पे ए शो करना है कि किसने किसने क्या दिया, बात समझे, कि ट्रू में यहां पे आना चाहिए कि हाँ डी, यहां पे आना चाहिए कि हाँ इसने डीएल दिया, डीएल ओके, ये शो होना चाहिए कि क्या से लिया है उसने। तो उस केस में हम यूज करेंगे फॉर्मूला नेस्टेड इफ, इफ दैट इज इक्वल टू वाई, अगर पैन वाई है तो ये पैन ऊपर वाला हेडिंग शो कर दे और फिर नीचे चला जाए। फिर अगेन इफ हमने बोला अगर ए इक्वल टू वाई है तो ए आपका सी बी वन मार्क हो जाएगा, हाँ सी वन शो कर दो। फिर इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो आपका बी वन शो कर दो। फिर इफ हमने बोला अगर ए इक्वल टू वाई है तो यू आई डी शो कर दो। If, अगर a इक्वल टू वाई है तो वोटर आई डी को शो करें, अदरवाइज यहां पे पेंडिंग शो करें, समझ गए। एंटर प्रेस कीजिए, ब्रैकेट अपने आप दे देगा।
डीएल आ गया। अगर हम डीएल को डिलीट करते हैं तो पेंडिंग आ रहा है, वाई कर दिए यूआईडी आ गया, वोट आई डी के वोट आई डी आ गया। क्लियर है? पर सर कहीं अगर दो वाई है तो वो एक ही लेगा, पहला ही लेगा उठाएगा। हमने ऐसा कुछ दिया है कि दो वाई है तो दोनों वाई दिखा दे? नहीं दिया ना। right. क्या जब हमने कोई कंडीशन ऐसा दिया ही नहीं तो कहां से शो करेगा? क्या बोला मैम? राइट सर। सर जहाँ पे हमने ये फॉर्मूला में एक बार F2 करना, जहाँ पे जैसे हमने रेफरेंसिंग दिया है कि if B2 is equal to Y then it should take B1, तो instead of that we can write that as well ना। हाँ ऊपर हेडिंग है, हेडिंग दे दिया हमने, हेडिंग शो करना है। आपने लिख दिया ना B1, B1 की जगह हम इसको पैन भी कर सकते हैं ना। आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग सेलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, कैलकुलेटर चेंज होगा तो फॉर्मूले में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में हम थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करते हैं। हम बोलते हैं यहाँ पे एरा, हम बोलते हैं कि मेरे पास जो है दो कम से कम चाहिए, दो कम से कम चाहिए, मतलब कि यहां पे हमारा पैन तो होना ही चाहिए, पैन के अलावा इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। सो बैंक बोल रहा है कि पैन इज कंपल्सरी, पैन तो आपसे लूंगा ही लूंगा, पैन के अलावा आप इसमें से कोई एक दे दीजिए। तो यहां पे हम लगाएंगे एक्स और का फॉर्मूला। X और हमने सिलेक्ट कर लिया यहां पे कि इक्वल टू Y कॉमा और दे दिया, इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू Y कॉमा, अगेन सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू Y कॉमा, अगेन इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू Y कॉमा, अगेन इसको सिलेक्ट किया इक्वल टू Y। समझे? सॉरी X और नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये एंड होगा, गलती कर दिया आपने। एक्स और फॉर्मूला इसके बाद है ना, दिमाग में चल रहा था इसलिए लिख दिया है। तो बी 14 वाई है, सी 14 वाई है ऑल्सो यहाँ पे। तो और इसको एंड को क्या चाहिए, एंड के पास कितने इनपुट है? दो इनपुट है, पहला इनपुट एट रहा है और दूसरा इनपुट क्या रहा, और फॉर्मूला। तो और फॉर्मूले के पास कई सारे इनपुट है, अगर सारे में से किसी एक ने भी दिया तो और ट्रू देगा और फिर बी 14 आपका ट्रू होगा, तो एंड यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। वैसे यार एक पे दे दिए तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जब तक पैन नहीं देंगे तब तक ट्रू नहीं होगा। पैन दे दिए बाकी नहीं दिए तो फॉल्स होगा, बाकी कोई भी एक दीजिएगा तब जाके ट्रू होगा। समझे? यस सर। अब इसको अपने हिसाब से कर लीजिए जो करना है। इसी तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला एक्स और होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको दो चॉइसिस में से किसी एक को चुनना है, जैसे मान लीजिए आपका पुणे और नोएडा दो जगह आपकी ट्रांसफर तय हुई है, दोनों में से किसी एक जगह पे आपको वाई देना है। तो यहाँ पे हम एक्स और फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू वाई और फिर कॉमा इसको सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू वाई, फॉल्स आया। अब यहाँ पे वाई कर दिया हमने, ये ट्रू आया। अब दो जगह वाई कर देंगे तो फॉल्स होगा, दोनों ब्लैंक रखेंगे तो फॉल्स होगा, कोई एक वाई होगा तो ट्रू होगा। एक्स और फॉर्मूला समझ में आएगा आपको क्या करता है? हेलो, इसे दो कंडीशंस में काम करेगा? हाँ, तो एक्स और में क्या डिफरेंस है? और में हुआ कि देखो बताते हैं, आप शायद लगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, लॉजिकल पैरामीटर्स। तो यहाँ पे और क्या होता है, और होता है कि वाई n इक्वल टू n, सॉरी माफ कीजिए वाई एन कर दिया हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। और फॉर्मूला के देखिए क्या होता है, और फॉर्मूला होता है कि ट्रू ट्रू इक्वल टू ट्रू, राइट, फॉल्स ट्रू इक्वल टू नहीं ट्रू होगा, और है ना। अच्छा ठीक है, समझे?
और फिर ट्रू और फॉल्स इक्वल टू ट्रू, और तीसरा क्या था, फॉल्स 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 इक्वल टू फॉल्स। ये हमारा किसका है, और का फॉर्मूला। अब एक्स और देखिए, एक्स और जो होता है वो है कि यहां अगर हम देते हैं ट्रू ट्रू तो इक्वल टू फॉल्स, समझे, ट्रू फॉल्स इक्वल टू ट्रू फॉल्स ट्रू इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। समझ में आया आपको दोनों का डिफरेंस? हेलो, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में ही है डिफरेंस? नहीं, हाँ नहीं, बाकी कंडीशन में भी तो है, ट्रू फॉल्स हुआ तो ट्रू होगा, हाँ फर्स्ट में से ट्रू ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स 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 होगा, समझ गए। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज समझ लीजिए ना, जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बंदे का नाम है हमारे पास और इसने एडवांस सैलरी एडवांस लिया हुआ है और इसने लोन लिया हुआ है, होता है ना, आप एचआर से लोन ले लेते हैं ऑफिस से, छह महीने की सैलरी आपने लोन के उठा ली, तो नियम ये है कि अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको एडवांस सैलरी नहीं मिले, अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको एडवांस सैलरी नहीं मिलेगी, अगर आपने एडवांस ले रखा है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, मतलब कि आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं टाइप करूं, जैसे ही मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने 500 टाइप कर दिया या 5000 टाइप कर दिया, तो अब मैं लोन पे जो है कोई भी टाइप करने से ना कोई कुछ भी नंबर टाइप ना कर, और सेम अगर हमने लोन ने कुछ अमाउंट फिल कर दिया तो एडवांस पे टाइप ना करता। अब ये चीजें जो है नॉर्मल से तो होगी नहीं, इसके लिए हम वैलिडेशन इस्तेमाल करेंगे और वैलिडेशन में यूज करेंगे आपका एक्स और का फॉर्मूला। कैसे देखिए, डेटा वैलिडेशन कस्टम, जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग में देते हैं ना, वैसे यहाँ भी दे सकते हैं फॉर्मूला। हमने यहाँ पे लगाया इक्वल एक्स और एक्स और ब्रैकेट ओपन, हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला दैट इज ग्रेटर देन जीरो कॉमा, अगेन हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो। अब क्या होगा कि ए एंट्री तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपका एक्स और फॉर्मूला ट्रू रहेगा, बात समझे, और एक्स और फॉर्मूला कब ट्रू देगा, दोनों में से कोई एक इसको मिलेगा तभी देगा ना। मैंने इसको ओके कर दिया, अब मैं कॉपी करके पूरी दोनों एरिया पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमने वैलिडेशन को पेस्ट कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे पूजा का नाम दिया, और जैसे मैं यहाँ पे लोन डालना चाह रहा हूँ, नहीं डालने नहीं दिया ना, लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इंदर दे दिया, इंदर इंदर का मैंने लोन जो है 10,000 सेंक्शन कर दिया। अब मैं इसके एडवांस के अंदर में अगर 50 डाल रहा हूं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्स और फॉर्मूला समझ में आया? हेलो, यस सर, कोई डाउट आपको? चिंटू जी, एनी डाउट्स? नहीं है, ये हमारा फॉर्मूला था इस क्लास की, दूसरी क्लास की फॉर्मूला। आज तो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी फॉर्मूले सिखाएं, और सिर्फ और कल इससे भी बड़ी फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। और कल का रिसर्च आप लोग कर लीजिएगा, और आज का भी एक रिसर्च है, रिसर्च आपका सेम है, एक्स और फॉर्मूला, एक्स और फॉर्मूला, जैसे कि आप एक्स और फॉर्मूला लगा रहे लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्स और फॉर्मूला ना लगाए और सेम काम हम नेक्स्ट डिप से करें।
समझ आ रहा है बड़का जी मैं क्या बोल रहा हूँ? किससे करें सर, दोबारा बोलना? इफ से, नेस्टेड इफ से। रीजन ऐसा है, सेम कंडीशन। हाँ, क्योंकि ये एक अपर एज मतलब कि लोअर वर्जन में एक सौ फॉर्मूला नहीं, तो अगर फाइल बना के मैं किसी को भेजा और लोअर वर्जन एक्सेल यूज कर रहा है तो फिर वो एक सौ फॉर्मूले यूज तो नहीं कर पाएगा ना वो। इसलिए हमें इसका अल्टरनेटिव चाहिए इफ के फॉर्मूला, क्योंकि हमें इफ लगा किसी और को भेजना है और उसके पास लोअर वर्जन है तो वो इफ फॉर्मूले के जरिए काम कर सके। तो जो काम एक्सॉल कर रहा है ना ट्रू फॉल्स देने का, सेम काम आपको करना है लेकिन नेस्टेड इफ फॉर्मूला। समझ गए सर? एक बारी वाई पुणे में भी वाई डालना जी, एक बार इसमें A18 सेल में वाई डालना, दोनों में वाई डालना तो फॉल्स हो जाएगा। नहीं ठीक है, ठीक है, मतलब एक आइदर ऑफ वन कंडीशन